या तो ड्यूक के इंडिकेटर्स लगवा देंगे या फिर एक स्टिकर वाला एलईडी वाला था वो यहाँ दोनों जगह इंस्टॉल करा देंगे। तो वहाँ जाके देखते हैं कौन से इसमें ज़्यादा बेहतर लगेगा, वो वाला इंडिकेटर्स में लगवाएंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, होप यू ऑल गेट फाइन। सो गाइस फाइनली जो है मोटो व्लॉग आ चुका है बहुत दिनों के बाद, एंड आई होप आप लोग मोटो व्लॉग को मिस किए होंगे। बाकी मेरे ये ग्लव्स फट गए हैं तो कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे जल्दी। और आज के व्लॉग में जो है हम लोग बेसिकली करवाने वाले अपना पीछे वाला ब्रेक ठीक, क्योंकि जो है फेल हो चुका है, और नंबर प्लेट को भी चेंज कराना क्योंकि बहुत बुरे हालत में है, देख रहे हैं या फिर जैसे जंग वंग लग गया है तो इसको भी ठीक करवाना है। उसके बाद पीछे का इंडिकेटर में टूट गया है तो मैं सोच रहा हूँ दोनों इंडिकेटर चेंज करवाते हैं, या तो ड्यूक के इंडिकेटर्स लगवा देंगे या फिर एक स्टिकर वाला एलईडी वाला था वो यहाँ दोनों जगह इंस्टॉल करा देंगे। तो वहाँ जाके देखते हैं कौन से इसमें ज़्यादा बेहतर लगेगा, वो वाला इंडिकेटर्स में लगवाएंगे। तो बेसिकली ये व्लॉग जो है वो है इंडिकेटर मॉडिफिकेशन के ऊपर, बाकी ये दोनों छोटे मोटे काम भी हम लोग साथ में करवा लेंगे। तो बिना कोई टाइम इसकी वीडियो स्टार्ट करते, बाकी बात वीडियो में करते हैं। Everybody is the fakest, I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. सर ऐसे लोग बता रहे हैं कि हम लोग का मेन मोटिव जो है आज का वो इंडिकेटर का मॉडिफिकेशन। हम लोग ट्राई किए थे कि प्रेम भाई जैसा ये सिलिकॉन का इंडिकेटर लगवा सकते हैं, लेकिन वो अनइवन सरफेस के कारण यहाँ नहीं लग पा रहा था। तो हम लोग डिसाइड किए हैं ये वाला इंडिकेटर लगाने का। ये भी एलईडी इंडिकेटर ही है लेकिन छोटी छोटी सा क्यूट है। तो लगाने के बाद देखते हैं सर थ्रो कैसा है। बाकी प्रेम भैया का बाइक बड़ा सेक्सी लग रहा है, मतलब ये कलर ही बहुत सेक्सी लगता है मेरे को। मैं सोचा अपने में कराऊंगा लेकिन मेरे में उतना फेयर्ड है नहीं पार्ट कि जहाँ मैं करवा पाऊँ। बाकी प्रेम भैया इसको जल्दी चेंज भी करने वाले, तो इसलिए जल्दी इस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा। और एक बहुत सेक्सी सा हेलमेट भी लिए हैं तो आपको थोड़ी देर में हेलमेट दिखाते हुएगा। No mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to comb. Finally jo hai hum log ka dost chicken biryani aa chuka hai aur ye mutton hai। और ये रहा प्रेम भैया का हेलमेट जो कि मैं दिखाना भूल गया था। ये है एक्सोर का बैटमैन लिमिटेड एडिशन का हेलमेट जो कि बहुत ही मस्त लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है लिमिटेड एडिशन। और ये बैटमैन बैटमैन डीसी। तो ठीक है, अभी हम लोग चंपारण आए हुए हैं खाने के लिए, ये फिनिश करके आपसे बात करते हैं। तो फाइनली हम लोग आए थे चंपारण मीठा खाना खाने, तो खाना खा चुके हैं, अब निकलते हैं घर। बाकी फिर घर पहुंच के आपको दिखाते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है और क्या क्या चेंज हुआ है। तो उसी तक घर मिलते हैं। सो गाइस कल जब मैं मॉडिफिकेशन कराने के बाद आया था तो बहुत अंधेरा हो गया था, तो अभी मैं जो हूँ अपने कॉलेज आया हुआ। तो ये रहा कुछ इंडिकेटर का लुक, बहुत छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से हैं। और ये छोटे वाले मैंने इसलिए लगवाए हैं ताकि ये जो है रेंज से थोड़ा दूर रहेगा बाहर के रेंज से, क्योंकि बड़े वाले बाहर तक आते हैं जो कि लग के टूट सकते हैं, लेकिन ये बहुत अंदर है तो ये टूटेंगे भी नहीं। बाकी ये प्योर मेटेलिक है जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा मेटल क्वालिटी है। और इसका थ्रो भी बहुत अच्छा है, आपको एक बार दिखाया था इतना धूप में भी इसका लाइट कैसा दिख रहा है मैं दिखा देता हूँ। As you can see कि बहुत ही विजिबल है ये इतना धूप में भी। बाकी यही नंबर प्लेट मैंने चेंज कराया है तो वो भी देखने में बहुत औसम लग रहा है।
तो सीधे चलते हैं घर पे और घर पे ब्लॉग एंड करते हैं। सो गाइस फाइनली जो है मैं घर पहुंच चुका हूं और आई होप आप लोग को ये ब्लॉग जो है अच्छा लगा होगा इंडिकेटर मॉडिफिकेशन का। बाकी जो है अब मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं इस बाइक में बहुत सारे मॉडिफिकेशन करूं और इसको फुली मॉडिफाइड NS बना सकूं। बाकी आई होप आप लोग को ये वाले इंडिकेटर्स अच्छे लगे होंगे और इनका जो है मैं लिंक आपको दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं। बाकी मैंने तो इसको लिया था ऑफलाइन जाके मॉडिफिकेशन वाले शॉप से, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो मैं ऑनलाइन इसका शॉपिंग कर दे दूँगा आप लोग को लिंक। बाकी मेरे को बहुत सारा मॉडिफिकेशन करना भी अपने बाइक में, इसी मैंने मॉडिफिकेशन शुरू किए थे लेकिन लैक ऑफ मनी मैंने मॉडिफिकेशन रोक दिया था, लेकिन अभी बहुत सारे मॉडिफिकेशन मार्केट में आ चुके हैं इसके लिए, तो हम लोग जल्दी से ही कराने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world dying?